पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, किसान है, किसान की बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारे आज तक याद है, आज तक बोलते भी आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। सीमा पर दो ही आदमी मिलेंगे, धरती पे तो मिलेगा किसान का बेटा और सीमा पे मिलेगा किसान का ही बेटा जवान। तो ये सरकार दोनों को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। कोरोना काल टाइम में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो चोर रस्ते से इन्होंने 3 अध्यादेश बिल पास कर दिए? भाई ऐसी क्या आवश्यकता ही किसान को पूछने तलक की जरूरत ना पड़ी जो आप लोगों को? एक बार हमारा भी पूछ लेते हमसे भी, अब भाई आपके लिए हम बिल ला रहे हैं, आपके लिए कानून ला रहे हैं, कोई है इसके बारे में कुछ हमसे ली गई सलाह? नहीं ली गई। जिस टाइम पे कोरोना महामारी चल रही थी, सब नेता सब मंत्री अपने घर में सो रहे थे, टीवी पे लाइव आके बस बात बोल देते थे। हमने यहाँ से दिल्ली का जितना भी मजदूर यहाँ से आया नवेडा, यहाँ से हमने नवेडा से गौतम बुद्ध नगर तक हमने पहुंचाया, उससे आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आगरा मथुरा तक पहुंचाया। ये काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया था। कोरोना काल में भी जैसे पुलिस के जवान वैसे ही किसान, रोडों पे यही दो आदमी दिखे थे, इसके अलावा कोई मंत्री कोई संतरी अगर रोड पे दिखा हो तो मुझे बता दो। और आज ये मंत्री अपनी एसी कमरों में बैठ के अपनी डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाते हैं, जब भी किसान की याद नहीं आती, जिस निवाले से हमारा शरीर चल रहा है, जिस निवाले से हम चल रहे हैं, उस निवाले को पैदा करने वाले किसान की दुर्दशा करने पे तुले हुए हैं। खाली उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, उनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, इसके अलावा कोई काम सरकार नहीं कर रही है। छोटे छोटे अध्यादेश ला के किसान को लूट के बड़े बड़े उद्योगपति बनाना चाहते हो? 70 साल में क्या हुआ जो 6 साल में तुम बदल के दिखा दोगे? किसान की हालत दयनीय कर दी और दयनीय कर दी, और आप लोगों ने बिल्कुल भी दयनीय कर दी है। किसान उगाएगा 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे में बेचने जाएगा तमिलनाडु, साधन दिया है आपने, डीजल के रेट 71-72 रुपए कर दिए, किस तरीके से सिंचाई करेगा किसान अपने खेत में पता है? और किसान को कहते हो बिजली चोरी करता है। किसान की 12 की बिजली फ्री होनी चाहिए, किसान के लिए डीजल कम रेट में होना चाहिए, और किसान को मारते मारते कमर तोड़ कर बोल रहे हो कि किसान के लिए हम फिर अध्यादेश लाए हैं। बिल्कुल किसान के खिलाफ अध्यादेश है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी तो भी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो भी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी यहाँ चक्का जाम है। जब हमारे राष्ट्रीय का आन हुआ तो दिल्ली जाम कर देंगे, तुम्हारा दिल्ली में बैठना मुहाल कर देंगे, तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से इस दिल्ली में बैठा जाता है। जब हम वोट दे के आपको बिठा सकते हैं तो तुम्हारी गद्दी को खींच के तुम्हें रोड पे भी ला सकते हैं। वाणी को यही विराम दूंगा, जय जवान जय किसान। अबे किसान कमर की बात करते ना, जब तो हमें लगता कि हाँ किसान हितैषी है सरकार, ऐसा कुछ नहीं किया गया, हजारों करोड़ रुपए ऐड पे खर्च कर रहे हो आप, कालाबाजारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और ये कालाबाजारी बढ़ाने के लिए ही आप ये अध्यादेश लेके आए हो। अगर ऐसा अध्यादेश आप लेके आना था तो एसी कमरे में बैठ के आपको नहीं लेना था। ये किसान संगठनों को लेकर के, किसान यूनियनों को लेकर के, उनके नुमाइंदों उनके नेताओं को लेकर के, और जमीनी स्तर पर आप पहले सर्वे कराते और जब जाकर के आप इस बिल को पारित करते, या जब तक आप जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर देते। आपने तो एसी कमरे में बैठ के ये सारा कार्य कर लिया, भाई तो हमें बहुत ज्यादा दुखद है। हजारों करोड़ों रुपए नमामि गंगे के नाम से सरकार पता नहीं कहां कहां खर्च कर रही है, हजारों करोड़ रुपए पहले देने का कार्य किसानों के लिए तो करे। किसानों को नौजवानों का देश है, किसान प्रधान देश है, बातें इतनी बड़ी बड़ी ना बड़े दर्शन छोड़े। भाई ऐसा क्यों भाई, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? हमने तो आपने बताया कोरोना काल में भाई जवानों के किसानों की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत हो रही है। हाँ कोरोना काल में योद्धा है किसान भी और जवान भी, भाई ऐसे योद्धा है हम। हमने तो अपनी खून पैसे की कीमत और हमने जो है अपनी तो पूरी ताकत
ताकत लगा दी और पूरे भारतवर्ष को हमने चलाने का कार्य किया और हमने दिखा भी दिया, जवानों ने भी दिखाया, किसानों ने भी दिखाया और हमने अपनी हस्ती दिखाई। और आपने क्या किया, अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को आपने हमें यह अध्यादेश दिया है भाई, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने किसानों को भाई। नोटा का बटन दबा करके भाई, नोटा का बटन दबा के इस सरकार को हम जो जवाब देने का कार्य करेंगे भाई। जागो, भारतवर्ष का किसान इसके खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा और हम जब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन लेती। कुछ पद चिन्हों पे कुछ लोग प्रतिनिधि मंडलाते हैं, है सूरमा वही जो अपनी राह बनाते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति, यहाँ हर एक बच्चा, यहाँ हर एक नौजवान सूरमा है, उसे किसी के उसकी मोहताज की जरूरत नहीं है। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। बस इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा, किसान विरोधी कोई सरकार आई।
नहीं आएगी।